चुनावी महादंगल 2019 आ गया है लोकतंत्र का सबसे बड़ा संग्राम। कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन होगा किंग मेकर? कांग्रेस के हाथ आएगी सत्ता या फिर भाजपा बचाएगी कुर्सी? क्या नोटबंदी जीएसटी का पड़ेगा असर या फिर राष्ट्रवाद रहेगा हावी? देखिए 2019 की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ INN24 न्यूज पर सलीम रहमान के साथ। घाट में मौजूद और बालाघाट में जब मैं आया तो मैंने सोचा चलो अनुराग चतुर्वेदी से दो दो बात करते हुए चलूं, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस ने इन्हें बालाघाट का प्रभारी बनाया है चुनावी स्तर देखने के लिए। और एक अहम बात, सबसे बड़ी जिम्मेदारी कल के लिए दिया गया था इनको, क्योंकि यहाँ पे ठोको ताली नवजोत सिंह सिद्धू आने वाले थे लेकिन वो सभा कैंसिल हुई। और इसी दरमियान अनुराग जी से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा चलिए हम बात करते चलते हैं कि सभा की क्या तैयारियां है, चुनाव की क्या तैयारियां है। अनुराग जी, INN24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पिछले वक्त भी विधानसभा पे आप INN24 से रूबरू हुए थे और इस वक्त भी ये हमें अवसर मिल रहा है आपसे बात करने के लिए। मैंने बात किया 18,000 वोट आपने लिए थे निर्दलीय प्रत्याशी, और आज फिर से आप कांग्रेस में हैं, मधु भगत जी का काम कर रहे हैं और आपको प्रभारी एक बड़ा जिम्मेदारी दी गई है, क्या लगता है इस बार? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप एक छोटे से ज़िले में लगातार चुनाव के दौरान आपका जो हमारी INN का मैं दिल से इस्तकबाल करता हूं कि वो हमेशा छोटे से छोटे मुद्दों को जनभावनाओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। और रही बात, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि विधानसभा 2018 में मेरे द्वारा निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा गया और लगभग 18,000 वोट लिए गए, और साथ ही साथ उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन कमलनाथ जी से मेरी बात हुई और उनके द्वारा एक मुझे विशेष जवाबदारी देते हुए बालाघाट विधानसभा में प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और भाई मधु भगत जो कि हमारे कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र से, उनको चुनाव में अच्छे से अच्छे मतों से विजयी बनाने के लिए हम सब की भागीदारी नितांत ही आवश्यक थी, क्योंकि एक जो कहना चाहिए एक मोदी नाम का जो एक जिन प्रकट हुआ है इस हिंदुस्तान की धरा पर, जिसे ये लगता है कि उसके आने के पहले हिंदुस्तान में सब कुछ बिल्कुल नगण्य था और कुछ भी नहीं था, तो एक ऐसे इंसान, एक ऐसे गुरूरी इंसान को कहावत है कि रावण का गुरूर ज़्यादा नहीं चलता, तो ये चरितार्थ करने के लिए पूरे युवा, पूरे बुजुर्ग, पूरे वरिष्ठ, पूरे कनिष्ठ एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा कवर करने के बाद यानी राहुल गांधी को आप पीएम की सीट पे बनाना बिठाना चाहते हैं? बिल्कुल, वो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है कि क्या डिसीजन होता है, पर हम बूंद बूंद से गड़ा भरता है और हमको जो जवाबदारी सौंपी गई है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारा, उसको निर्वहन करने में हम पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोकसभा में पहुँचें और हमारी जो आवाम की आवाज़ है वो लोकसभा में गूंज सके, और उस आवाम की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करने वाले जो हमारे लोकसभा के सांसद बनेंगे वो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे गरीबों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए और आम जनमानस व्यापारी के हित का काम करते हुए आगे जो चीज़ें पिछले 5 साल में बहुत बद से बदतर होती चली जा रही हैं उनको नितांत आवश्यक है ठीक करने की, तो उस हेतु कार्य करेंगे। अनुराग जी, मैं बात करते चलूँ 2014 की, तो जिस बात को आपने कहा कि नरेंद्र मोदी एक जिनका नाम आपने उनको दिया है, तो 15 लाख देने की भी वो बात कर रहे थे 2014 पे, बाद में उसको जुमलेबाजी कहा गया, और इस वक्त आपके युवा नेता यानी राहुल गांधी 72,000 की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ फ़र्क नज़र आएगा वो 15 लाख और ये 72,000, क्या समझ में? मैं आपसे कहना चाहता हूँ सर कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने जो कहा वो किया। 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने वाली विश्व की एकमेव पार्टी कांग्रेस है, और आज राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम दिया गया, और उसमें 100 दिन रोजगार की गारंटी दी गई थी कि नहीं साहब, तो जो कहा वो किया। आज 15 लाख वाले जिन्न साहब, जिन्हें हमें चौकीदार नहीं चाहिए, हमें युवाओं को बढ़ाने वाला चाहिए, हमने उनको प्रधान सेवक बना के भेजे,
इस देश ने, इस देश की युवा ने, इस देश की मातृशक्ति ने, इस देश के व्यापारियों ने उन्हें प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना है, ना कि चौकीदार बनाने के लिए, नंबर एक। और रही बात राहुल गांधी जी की 72,000 रुपये, तो इकोनॉमिक्स के मामले में राहुल जी ने कहा कि इकोनॉमिक्स के अच्छे से अच्छे सलाहकारों से पूरी योजना को क्रियान्वयन करने के बाद ये घोषणा की गई है। जैसे कि पहले कहा गया था मध्य प्रदेश चुनाव आने के पहले राहुल जी और माननीय कमलनाथ जी द्वारा कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे और समर्थन मूल्य का हिसाब करेंगे। लगभग 100 दिनों के अंदर में 28 लाख किसानों का लगभग 2 लाख रुपया प्रति किसान कर्ज माफ किया जा चुका है लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि आचार संहिता का विषय है तो आगे भी किया जाएगा। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, भाई 5 साल पहले मोदी जी जब आए थे तब की इकोनॉमी, गैस सिलेंडर की बात करिए, डॉलर के रेट की बात करिए, पेट्रोल डीजल के रेट की बात करिए, महंगाई के नाम पे क्या इन्हें गाना बनाए थे कि महंगाई डायन खाई जाता है, तो अब ये डायन नहीं है, जिन्न खा रहा है और इस देश को खोखला करने में लगा। ग्राउंड कहीं ना कहीं इस बीच में इन 5 सालों की अगर हम बात करें, GST, नोटबंदी, ये सारे मुद्दे राहुल गांधी भी भूल गए, सिर्फ एक राफेल का मुद्दा लेके बैठे हैं। राफेल देश की सुरक्षा का मुद्दा है, राफेल देश की सुरक्षा का मुद्दा है, और कुछ गिने चुने जो इनके व्यापारी साथी हैं उन साथियों के साथ साठ गांठ करके। और इनकी कहानी ऐसी है कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, 56 इंच का सीना लेके चलने की आवश्यकता नहीं है मोदी साहब, युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है, किसानों को समर्थन मूल्य की आवश्यकता है। इनकी जो स्मृति ईरानी मैडम है, वो मैडम के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि 2014 में वो ग्रेजुएट थी, 2019 में वो 12th हो गई, तो ये डिमोशन का काम इनकी पार्टी का अधिकार है, इनके अधिकार में है कि ये डिमोशन लगातार करते रहते हैं। प्रमोशन नहीं होता, देश का भी डिमोशन हुआ है। एक दौर आया था जब अटल जी थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनको भी ये गुरूर हो गया था, शाइनिंग इंडिया। अभी आप अच्छे दिन आने वाले, क्या अच्छे दिन आए साहब? अच्छे दिन आए जो भगवा कलर के कपड़े पहनकर, अभी भोपाल में भी एक आई है भाई, साधु के लिए मैं कहना चाहता हूं, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जब कोई साधु धर्म अपना लेता है तो उसका सरनेम नहीं रहता, उनका नाम के पीछे सरनेम नहीं रहता। भगवा कपड़ा पहनने से साधु नहीं हो सकते, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। नितिन गडकरी जी का नागपुर देख लीजिए आप, या भी इनके पूरे नेता जो हैं, फिर जिस पार्टी में वरिष्ठों का सम्मान नहीं होता, आडवाणी जी जैसे आदमी, सुमित्रा ताई जैसे लोग, इन लोगों को मुरली मनोहर जी जैसे लोग, इन लोगों को इनने बाहर का रास्ता दिखा दिए, इनने ये बता दिए कि जिस पार्टी में कांग्रेस ने अपने वरिष्ठों का हमेशा सम्मान किया, अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान किए, और जिस घर में उनके बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वो घर नरक के जैसे होता है, तो ये सिद्ध कर रहे हैं। तो जैसा भी आपने प्रमोशन और डिमोशन की बात कही, आपको ये नहीं लगता कि अनुराग चतुर्महता अगर विधानसभा पे निर्दलीय प्रत्याशी नहीं होते और लोकसभा अगर टिकट मांगा जाता तो कहीं ना कहीं आपको टिकट दिया जाता और कहीं प्रमोशन की बात होती? देखिए, मैं बालाघाट विधानसभा या लोकसभा को लेकर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि राजनीति, मैं एक अच्छे संभ्रांत परिवार से हूँ, राजनीति करने का उद्देश्य समाज सेवा है। और रही बात मेरी सोच, मैं बालाघाट विधानसभा से लगातार लगभग 12 सालों से काम कर रहा हूँ और मेरी सोच बालाघाट विधानसभा तक ही सीमित है। आगे भी भविष्य में कभी ईश्वर ने चाहा या हमारी पार्टी नेतृत्व ने चाहा कि मुझे कभी जवाबदारी मिलती है तो मैं सिर्फ बालाघाट, अमेड़ा से लेके कंजई यहाँ तक की राजनीति और यहाँ तक की समाज सेवा के लिए नहीं। और अगर पार्टी बोलती है कि भाई आपको दिल्ली आके बैठना है, देखिए बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं बालाघाट में और उन सबका मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहेगा तो शायद मैं बालाघाट की सेवा करने लायक हो जाऊँ।